आइए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आजम खान की पत्नी और बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि आजम खान पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, आजम खान और उनके परिवार को हिरासत में ले लिया गया है। जी, इस बात की पहले से ही आशंका थी कि आज इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और जब ये कोर्ट में पेश हुए, दरअसल रामपुर की एडीजे 6 की कोर्ट में इनको आज पेश होना था और वहां पर उनको पेश होने का आदेश दिया गया था। वहां पर पहुंचते ही पुलिस कस्टडी में लिया गया आजम खान को। तीनों लोग ही कोर्ट में ही है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। बहुत सारे वकील भी वहां पर पहुंच गए आजम खान के समर्थन में, वहां पर मौजूद है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। वहां पर बड़ी तादाद में, कह सकते हैं एक तरीके से पूरे जो कोर्ट परिसर है उसको वहां पर घेरा हुआ है। करीब एक दर्जन वकील भी पहुंचे थे एडीजेसी की कोर्ट में, लेकिन वहां पर कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दे दिया गया। अभी भीतर बहस जारी है, लेकिन जैसी खबर मिली है कि 2 मार्च तक के लिए आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे जेल में रहेंगे झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, आजम खान और उनके परिवार को हिरासत में ले लिया गया है। जी, इस बात की पहले से ही आशंका थी कि आज इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और जब ये कोर्ट में पेश हुए, दरअसल रामपुर की एडीजे 6 की कोर्ट में इनको आज पेश होना था और वहां पर उनको पेश होने का आदेश दिया गया था। वहां पर पहुंचते ही पुलिस कस्टडी में लिया गया आजम खान को। तीनों लोग ही कोर्ट में ही है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी कर दी गई है। बहुत सारे वकील भी वहां पर पहुंच गए आजम खान के समर्थन में, वहां पर मौजूद है। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। वहां पर बड़ी तादाद में, कह सकते हैं एक तरीके से पूरे जो कोर्ट परिसर है उसको वहां पर घेरा हुआ है। करीब एक दर्जन वकील भी पहुंचे थे एडीजेसी की कोर्ट में, लेकिन वहां पर कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दे दिया गया। अभी भीतर बहस जारी है, लेकिन जैसी खबर मिली है कि 2 मार्च तक के लिए आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे जेल में रहेंगे झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के मामले में। शुक्रिया आपका मानस श्रीवास्तव तमाम जानकारी देने के लिए। तो आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को हिरासत में ले लिया गया है।